सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बढ़िया ही होगे। मैं भी एकदम बहुत बढ़िया। तो भाई मैं एक्चुअली यहाँ घर पर जो है 2-3 दिन पहले ही पहुँच चुका था, और पहुँचने के बाद वीडियो इतने दिन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखो 2 दिन तो मुझे ट्रेन में लग गया था, जो कि मैं सारा दिन जो है सारी रात जो है खड़े खड़े पूरा ट्रेन में सफ़र किया था। 2 दिन मैं सोया नहीं था, इसी वजह से जो है उस दिन ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाया। आँखों का एकदम पूरा ये समझ लीजिए बहुत तकलीफ़ में था, आँखों का एकदम सूज आया था, एकदम लाल हो चुका था, इसी वजह से जो है वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन फिर यहाँ पर जो मैं जिस इमरजेंसी की वजह से आया था वो एक्चुअली ऐसा पंगा हो गया था, जिनके अंडर में मैं काम करता हूँ इन्होंने मुझसे कॉल किया था, कॉल करके बोला अर्जेंट ही चले आओ, तो अर्जेंट ही आना पड़ा था। तो वो अर्जेंट इमरजेंसी ऐसा नहीं था, एक्चुअली यहाँ पर जो है काम चालू हो चुका था, तो काम के सिलसिले में जो है मुझे बुलाया था जल्दी आ जाओ, तो मैं कुछ दूसरा ही सोच लिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर एक दिन आराम किया, आराम करने के बाद फिर से दूसरे दिन जो है मैं काम पर जाने लगा। काम पर जाने के बाद आज जो है छुट्टी है पूरा दिन, तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, तो इसी वजह से जो है आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और आप लोगों से बात भी कर पा रहा हूँ। 1 बज रहा है और मैं अभी वीडियो बनाने आया हूँ। जस्ट अभी जो है वो यूपी से कोलकाता तक जो मैं ट्रेन में आया था वो पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उस वीडियो को मैं 3 दिन से एडिट कर रहा हूँ भाई, लेकिन उसका कॉपीराइट नहीं जा रहा है। मैं 18-20 मिनट का वीडियो जो है काट कर मैं 3 मिनट का वीडियो बना दिया, फिर भी जो है कॉपीराइट नहीं जा रहा था। 3 दिन से परेशान था, तो फाइनली आज जो है गुस्से से जो है मैंने अपलोड कर दिया कि कॉपीराइट आएगा तब पता चलेगा कौन सी चीज़ पर कॉपीराइट आ रहा है। म्यूजिक भी फ्री है, सब कुछ अपना वीडियो है, कोई भी वैसा कुछ नहीं लगाया था जो कि आएगा कॉपीराइट। फिर भी मैंने काट काट के मतलब ये समझ लीजिए 18-20 मिनट का वीडियो जो है काट कर मैंने 3 मिनट का बना दिया, शॉर्ट वीडियो जैसा, और उसको फिर भी कॉपीराइट ही आ रहा था। 2 बार अपलोड किया, 3 बार अपलोड किया, अपलोड करने के बाद जब नहीं जा रहा था तो फिर वही वीडियो जो है पब्लिक कर दिया, 3 मिनट का ही वीडियो पब्लिक करने के बाद जो है अभी फ़िलहाल जो है कॉपीराइट नहीं आ रहा है, एकदम पूरा वीडियो ठीक है। अभी मैंने चेक भी किया था, वीडियो पे कोई कॉपीराइट नहीं है। और मैं घर पहुंचने के बाद जो है काम पर भी चला गया था, कल से मैं जब भी काम पर जाऊं तो वीडियो मैं बना सकता हूं, यहां पर कोई रोक नहीं है, अपने मन से काम करो, अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन इस 4 दिन में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भाई थोड़ा थका भी था, उसके बाद जो है मुझे काम मतलब यहाँ पर आने के बाद एक दिन आराम किया, एक दिन रेस्ट किया, दूसरे दिन जो है काम पर चला गया था। चल जाने के बाद जो है आराम से मैं सोच रहा था कि कुछ एक दिन का छुट्टी मिल जाए, फिर आराम से सब कुछ इकट्ठा करके उसके बाद जो है वीडियो बनाना चालू करूँगा। इसी वजह से जो है मैं इतना दिन रुका था, आज जो है छुट्टी मिला है, आज जो है अपना सारा सामान पावर बैंक वगैरह सब कुछ अपने साथ में कैरी करके लेकर चलना पड़ेगा, जैसे फ़ोन माउंट हो गया और कुछ हो गया, मतलब सारा सामान जो है अपना कैरी करके ही चलना पड़ेगा, तो इसी वजह से जो है। लेकिन भाई थोड़ा ये मतलब काम से सारा दिन काम करने के बाद शाम को आकर फिर एडिट करना, भाई यही थोड़ा तकलीफ होगा बस, क्योंकि रात को जो है मुझे एक वीडियो अपलोड करने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लग जाता है, आधे घंटे का लमसम, आधे घंटा 1 घंटा, मतलब जितना लंबा वीडियो होता है उतना टाइम लगता है, जितना शॉर्ट वीडियो होता है उतना कम टाइम लगता है। मैं काम छोड़कर वीडियो पे क्यों नहीं फोकस कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी YouTube से मुझे कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है, इसी वजह से जो है मैं अपना काम छोड़कर YouTube पर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने काम छोड़ दिया YouTube के ऊपर, अगर मैं पर वीडियो अपलोड करना चालू कर दूँ रेगुलर वीडियो अपलोड करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैंने काम छोड़ दिया तो YouTube कब मोनेटाइज होगा, कब मुझे अर्निंग होगा, कब क्या होगा, इसी वजह से जो है मैं YouTube पर जो है वीडियो रेगुलर नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। काम पर ज़्यादा फोकस देता हूँ, वीडियो पर कम फोकस देता हूँ। पर भाई घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह, जैसे यहाँ से सुंदरवन भी है और भी बहुत सारा जगह है। सुंदरवन की राइड भी मैं एक बार करना चाहता हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन भाई यही इतना है कि सुंदरवन जाने के लिए जो है हमें गाड़ी वगैरह से नहीं, नाव से जाना पड़ेगा यहाँ पर जो है सुंदरवन में। और एक चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ भाई, आप लोग प्लीज़ साथ देना, मैं एक्चुअली अपना एक टीम बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं लंबा राइड कहीं पर भी करने जाऊँ, कहीं पर भी बढ़िया, तो अपने टीम के साथ मैं जाना चाहता हूँ, अकेले नहीं जाना चाहता। अब ऐसे भी बहुत भाई हैं जो कि कह रहते हैं जाने के लिए, साथ में रहने के लिए, साथ में घूमने के लिए,
तो भाई मैं ज्वाइन हो सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है भाई। बहुत लंबा राइड करने वाला हूँ, आपकी सोच रहा हूँ मैं जाऊँगा साउथ की तरफ, ऐसे ही मैं एकदम इंडिया का एकदम लास्ट तक जाना चाहता हूँ, अपने भारत में जितने भी जगह हैं एकदम लास्ट वहाँ तक जाना चाहता हूँ, इसीलिए जो है अपना टीम बनाना चाहता हूँ। अभी घर से आए हुए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो अभी फिलहाल मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।